दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक कंट्रोवर्सी जो अरुणाचल में काफी ज्यादा चल रहा था, काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, जिसमें कि नाबाम गुंगते मोनू ऑफिशियल और क्रेजी कुंदन के बीच एक कंट्रोवर्सी आगे बढ़ा था और उसके ऊपर मैंने दो वीडियोस बनाए थे, लेकिन उन वीडियोस को मैंने हटा दिया। उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट आने लगे जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे। वहां पर मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सर, क्या आप डर गए कि आपने जो है वो वीडियोस को डिलीट कर दिया, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे जा रहे थे। तो भाई, मैं आप सबको बता दूं कि देखो, मैं कोई डरा नहीं हूं, और दूसरी बात कि मैंने वो वीडियोस को जो है डिलीट नहीं किया है। आप देखो स्क्रीनशॉट, मैंने उन्हें प्राइवेट करके रखा हुआ है। और प्राइवेट क्यों किया वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं, आप भी समझ जाएंगे कि भाई मैं कहां पर क्या मैंने गलती की और कहां पर मैं डर गया। हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई, अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हो ना, काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और आ रहे हैं, तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग ये मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैंने जो है वो वीडियोस डिलीट कर दिए, तो मैं आपको बता दूं, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नहीं भाई, वीडियोस मैंने डिलीट नहीं किए, उन वीडियोस को जो है मैंने प्राइवेट कर रखा है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा कि भाई मैंने प्राइवेट क्यों किया, जो वीडियोस इतने अच्छे खासे जा रहे थे, लोग उसको इतना पसंद कर रहे थे, लोग काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे उन वीडियोस में, लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही थी, जो मैं कह रहा था लोग उसको मान रहे थे कि मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, तो मैंने उन वीडियोस को आखिरकार क्यों डिलीट कर दिया। तो मैंने डिलीट नहीं किया, मैंने उनको प्राइवेट किया। और उनको प्राइवेट करने का कारण यह है कि देखो भाई, मेरा जो मन है ना वो बहुत अलग टाइप का है। बहुत सारे क्रिएटर्स जो है वो एक बार वीडियोस बनाने के बाद, अपलोड करने के बाद, जो लोगों के बीच में इतना आगे जा रहा होता है, उसको कभी भी वो हटाते नहीं है, उसको रिमूव नहीं करते, डिलीट नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, जिनमें से क्रेजी कुंदन ने मुझे कॉल किया, मोनू ऑफिशियल ने कॉल किया, नाबाम गुमते जो भाई हैं उन्होंने भी मुझे कॉल किया। और कॉल करके जो है इन लोगों ने मुझसे कहा कि भाई प्लीज, आप जो है वो क्या करो, उन वीडियोस को रिमूव कर दो, आप उनको हटा दो या फिर प्राइवेट कर दो। तो मैंने उनका उसका बारे में मैंने पूछा कि भाई मैं करूं, क्यों डिलीट करूं या क्यों रिमूव करूं उस चीज को, या फिर क्यों प्राइवेट करूं। तो उन लोगों ने बोला कि देखो, हमारा जो कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी एंड हो रहा है, हम लोग इसको खत्म कर चुके हैं, और जो भी मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, जैसा मैं चाहता था वैसा हो गया, मुझे मोनू ने अपोलॉजी भेज दिया है, ये देखो अपोलॉजी लेटर जो आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो इस तरह से मुझे नाबाम ने कहा। और क्रेजी कुंदन ने भी मुझे ये बताया कि ये जो बात है काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है और इसे हम बड़ा नहीं करना चाहते, तो अगर आपके चैनल से रिमूव हो जाएगा, आप इसको प्राइवेट कर दोगे, तो फिर सबके लिए अच्छा होगा, ये कंट्रोवर्सी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप अगर आप नहीं करते हो, तो आपके वीडियो के थ्रू ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ता जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि भाई मेरा मन जो है ना वो अलग टाइप का है, तो मैंने सबकी बातें मानी, सबकी बातें सुनी, मैंने क्रेजी कुंदन की भी बात सुनी, मैंने मोनू की बात भी सुनी, और मैंने साथ साथ नाबाम की भी बात सुनी, और मैंने इन वीडियोस को क्या किया, प्राइवेट कर दिया दोस्तों। तो यही कहानी थी प्राइवेट करने के पीछे। तो देखिए भाई, मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था और मैंने कोई गलत बात भी नहीं कही थी मेरे वीडियोस में। अगर आपको लगता है कि उनमें मैंने कुछ गलत कहा, तो फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, उसको अनलिस्टेड करके आपको लिंक भी दे दूंगा, आप देख लेना, जिसने नहीं देखा है और जिसको लगता है कि मैंने यहाँ पर गलत कहा था, तो मैं कहीं भी गलत नहीं था। लेकिन मैं ये चाहता था कि, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में भी बार बार बताया, कि कॉन्ट्रोवर्सी बिल्कुल भी आगे ना बढ़े, क्योंकि जो सारे नॉर्थ ईस्टर्न क्रिएटर है ना, उनको मिलकर ही आगे बढ़ना है, तो मेरा ये सोच था। और जब कंट्रोवर्सी खत्म हो रहा है, तो उस कंट्रोवर्सी को मैं अपने वीडियो के थ्रू क्यों बढ़ाऊं, इसलिए मैंने उस वीडियो को भाई प्राइवेट कर दिया था, ये कारण थी। और नाबाम गुमते ने, जैसा कि मैंने बोला, उन्होंने मुझे अपना जो है, उनका जो मोनू ने उनको अपोलॉजी लेटर दिया है वो मुझे भेज दिया है, ये स्क्रीनशॉट देखो। लेकिन भाई मुझे पता नहीं है अपोलॉजी मोनू ने लिखा है कि नहीं लिखा है। नाबाम, बुरा मत मानना अगर तुम वीडियो देख रहे हो, तो भाई मैं देखो, मेरे दिल में आया, मैंने बोल दिया, तो वो अलग बात है। और मोनू ने ही लिखा होगा, जब आप इतना पब्लिक के सामने इसको दिखा रहे हो कि मोनू ने लिखा है, तो मोनू ने आखिरकार माफ़ी मांग ली
लिया है, आपने गलती को एक्सेप्ट कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है और सब कुछ कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो गया। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कि नॉर्थ ईस्ट के क्रिएटर जो है वो अब एक होकर के फिर दोबारा से आगे बढ़ेंगे और कमाल कमाल के वीडियोज लेकर के आएंगे, कॉन्ट्रोवर्सी को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो भाई यही था कारण, मैं किसी से डरता नहीं हूं भाई। देखो सच्चाई के रास्ते पर जो चलता है, जो सही के लिए आगे बढ़ रहा होता है, वो कभी भी किसी से नहीं डरता है। वो लोग डरते हैं जो कुछ गलत कर रहे होते हैं। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं किसी से क्यों डरूं, चाहे वो मोनू हो, चाहे वो नाबाम घूमते हो या फिर क्रेजी कुंदन हो, मैं किसी से नहीं डरता। हाँ, मेरा दिल इतना साफ है कि मैं प्यार सबसे करता हूं और सबको दिल से प्यार करता हूं। और मैं हमेशा ये चाहता हूं कि जितने लोग हैं नॉर्थ ईस्टर्न क्रिएटर्स जो है वो सारे एक साथ हंसी खुशी आगे बढ़ करके जाए भाई। तो बस इसीलिए मैंने जो है वीडियो को प्राइवेट कर दिया था गाइस। तो यही बात था जो मेरे को कमेंट्स पूछ रहे थे, मैं उनको बताना चाहता था और मैंने ये वीडियो बनाया गाइस। तो अभी चलता हूँ, चलने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ भाई अगर आप मेरे ब्लॉग्स में इंटरेस्टेड हो, मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हो, तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों अभी चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।